था, खाने को लेकर के कोई भी चीज़ को लेकर के सोचना पड़ता था, लेकिन जब से यूट्यूब में आया, जब से हमारा चैनल ग्रो हुआ तब से। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं विजय एंड रिया ब्लॉग्स के घर। एंड गाइस चलिए इनका घर दिखाते हैं। एंड गाइस इनका घर आप लोग देख सकते हैं, कुछ प्रकार का इनका घर है। एंड गाइस जो ऊपर से हम दिखा रहे हैं, तो गाइस चलिए विजय भैया से बात करते हैं, रिया भाभी से बात करते हैं। एंड गाइस सब कुछ ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग के दिखाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइस चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो फाइनली गाइस ये रहा भैया का घर। एंड गाइस ये रहा सपनों का घर इनका। एंड गाइस अभी दोनों से मिलवाएंगे। एंड गाइस विजय भैया से मिलवाएंगे एंड भाभी से मिलवाएंगे। एंड गाइस दोनों से मिलवाते हैं। एंड गाइस भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आप सभी लोगों का मेरी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। एंड अभी हम टंकी साफ कर रहे थे, पहले वाले ब्लॉग आप लोग देखे ही होंगे, तभी नीचे उतर चुके हैं। एंड गाइस तो चलिए भैया भाभी के पास ले जाएंगे। एंड गाइस ये भाभी जी, रिया भाभी जी। एंड गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाभी जी भी नमस्ते कर रहे हैं। एंड गाइज अभी जस्ट हम इनसे मिले। एंड गाइज बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। तो गाइज आप लोग थोड़ा सा, तो भैया आप लोग थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में, जब आप लोग यहाँ तक, आप कैसे पहुँचे आप लोग यहाँ तक। सबसे पहले आप सभी लोगों को फिर से जोहार। एंड मेरा नाम विजय, जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो लोग नहीं होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विजय और मेरी वाइफ है मिसेस रिया जी, है ना। एंड हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं और हम लोग एक यूट्यूबर हैं, वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब में। एंड हमारा नाम, चैनल का नाम है विजय रिया ब्लॉग्स, मेरा विजय रिया जी, रिया जी। हाँ ना, हमारा नाम से ही विजय रिया ब्लॉग्स और हमारे 7.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है चैनल में। ऐसे तो लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए है। और हमारा यूट्यूब जर्नी आज 1.5 साल होने चला, 1.5 साल के दरमियान में हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर हुए। और अभी जो ये घर देख रहे हैं, घर भी हम लोग स्टार्टिंग हम लोग अपने से किए हुए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके। बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो होते गया, वैसे वैसे फिर हम लोग मतलब इस घर को बनाते गए। हमारे जो यूट्यूब फैमिली हैं, कमेंट करते गए कि ऐसे करिए, वाशरूम बनाइए, किचन बनाइए, बाउंड्री बनाइए, गेट बनाइए, तो उस हिसाब से हम लोग करते गए। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं हमारा घर। तो अभी भैया आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, अभी चल रहा है, पहले से कैसा चल रहा है? देखिए पहले से तो देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में सुधार आई है, बाकी जो हम लोग पहले जी रहे थे अभी वही जी रहे हैं। अभी वही वस्त्र है, वही पहनावा ओढ़ावा है, वही सब चीज़ें हैं। और इंसान को कभी भी मतलब वो फीलिंग नहीं आना चाहिए कि अभी हम कितने आगे पहुँच चुके हैं, अभी कितने ये हो गए हैं, ये सब मतलब ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता, जो है बस हैं। लेकिन पहले से काफ़ी सुधार हुई अपनी लाइफ में, क्योंकि पहले एक समय था कि हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता था, खाने को लेकर के, कोई भी चीज़ को लेकर के सोचना पड़ता था। लेकिन जब से यूट्यूब में आया, जब से हमारा चैनल ग्रो हुआ, तब से मतलब अच्छा खासा सब ठीक ठाक चल रहा, मतलब अपना घर परिवार सब बढ़िया से चल जा रहा अच्छे से। हाँ बेटा, तो भैया पहले से इनका लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया। एंड गाइज आप लोग अभी तक भी अगर यूट्यूब पर नहीं आए हैं तो आप लोग यूट्यूब पर आकर काम कीजिए। एंड गाइज भैया का सब कुछ अभी यूट्यूब पर सब कुछ ले लिए, गाड़ी भी लिए, घर भी बनाए। एंड गाइज अपना गाड़ी के बारे में बताइए। किन्हीं के भी बातों में एक्चुअल नहीं जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि यूट्यूब जो है, क्योंकि यूट्यूब की सच्चाई बहुत लोग नहीं जानते। क्योंकि अभी भैया कह दिए कि आज ना जाने हम लोगों को देख करके कितने सारे, एक नहीं हजारों हजार चैनल खोले हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो छोड़ भी दिए हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे, लेकिन YouTube जो है कि किस्मत है, लक है। ये मत सोचेगा कि विजय रिया क्या जितने सारे व्यू आ रहे हैं, विजय रिया गाड़ी ले लिए, विजय रिया का लाइफ स्टाइल ये है, तो हमको देख करके कदापि मतलब कि नहीं जाना है। पहले सीखिए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने इसके पीछे कितना स्ट्रगल किया मुझे पता है, और हमारे जो वीडियोज़ को देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कितने हम लोग मेहनत किए हैं। किसी के भी देखा देखी में कदापि नहीं जाना है, क्योंकि आप कहीं तालाब देख रहे हैं और वो अगर तैरने के लिए जान रहा है, वो ऑलरेडी पहले से छलांग लगा हुआ, तो उसको देख करके आप भी मत कूद जाइए, क्या पता आपको तैरना ना, आप डूब भी सकते हैं। क्योंकि इसलिए हम इस बातें वो कह रहे हैं कि हमको देख करके बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे भैया भी कहें अभी आवास में इनको पता जुलून जगा हुआ, लेकिन हम लोग भी काफ़ी मेहनत किए हैं यूट्यूब में। और बात रही कि बहुत, जैसे कि बहुत लोग स्टूडेंट हैं, अभी 9th में है, 10th में है, अगर हम लोगों को देखें कि नहीं विजय रिया का अच्छा लाइफ जा रहा है, अच्छा ज़िंदगी जी रहे, हम लोग यूट्यूब आके करते हैं, क्या पता 2 साल के बाद पता चलेगा ना ये पढ़ाई रहा और ना ही यूट्यूब रहा। क्योंकि यूट्यूब एक किस्मत है, लक जिसको कहते हैं, क्योंकि मेरा मात्र 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल के दरमियान में मेरे इतने सब्सक्राइबर आए, हो सके मेरी किस्मत में होगी ये चीज़। और बहुत सारे यूट्यूबर थे, बहुत सारे मेरे से पहले थे जिन लोगों को मैंने बीट किया, आज उन लोगों से मेरे अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं। कहीं ना कहीं किस्मत है ये, मतलब सब लोग इससे मेहनत करते हैं, मैं भी उतना ही मेहनत करता हूँ, और भी सारे जो यूट्यूबर है उतने ही मेहनत करते हैं। सर थे बस थोड़ा सा बोलने का
नज़रिया बोलने का थोड़ा सा लोगों को हो सके। कोई लोग मुझे पसंद करते हैं, कोई रिया जी को पसंद करते हैं, कोई चांदनी को पसंद करते हैं, सबका अलग अलग ही होता है। किन्हीं किन्हीं को मेरा नज़ारा पसंद है, लोकेशन है, किन्हीं को मेरा घर पसंद है, मतलब हर किन्हीं को कोई ना कोई चीज़ भा जाती है, तब हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, ऐसे किस्मत भी है। तो भैया आपका फैमिली भी सपोर्ट करते हैं ये वीडियो बनाने के लिए कि नहीं करते हैं? जी अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग दौर में काफ़ी प्रॉब्लम मेरे भी लाइफ में आई थी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट मेरा बिल्कुल ही नहीं था, कहा जाए तो बिल्कुल ही नहीं। जो भी करना अपने करो, खाओ पियो जो करना अपने करो, क्योंकि हमारी मैरिज का आज 5 साल प्लस होने चला। जब हम लोग मैरिज किए थे तभी हम लोग घर से बेघर हो गए थे, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, फिर हम रांची में रहे 5 साल, वहीं काम काज किए, फिर वहीं से फिर हम लोग घर आए, फिर हम लोग स्टार्ट किए यूट्यूब। जब हमारा चैनल ग्रो किया, जब कुछ पैसे आने लगे हैं, जब मतलब मम्मी पापा जानने लगे हैं दूसरों के कानों से कि विजय आज इस जगह पे है, मेरे घर बहुत सारे लोग आते थे मिलने, बहुत मतलब लोग आए, तब लगने लगा कि मेरा भी कोई बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है कोई, मतलब तब जा कर के धीरे धीरे अच्छे हुए, वो भी मनाना पड़ा, जाके मनाए, फिर माने, फिर अभी तो अभी आपके माता पिता साथ में ही रहते होंगे? हाँ अभी साथ में ही रहते हैं। अच्छा, तो सभी लोग ये सपने घर में ही रहते हैं? हाँ सभी लोग ये सपने घर में ही रहते हैं। हाँ अभी यहाँ रहते हैं, फिर और एक पुराना घर है वहाँ पे भी रहते हैं। हाँ बेटा रखो। तो भैया कभी कुछ मिला है खाने के लिए? हाँ एक मतलब कि वो भाभी जी आए हुए थे, वो चांदनी को देख करके गए, तो चांदनी मेरे को पकड़ा दी। अच्छा, तो गाइज भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा गाइज, एंड आज किस ब्लॉग के बस यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं किसी मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज।